सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग सातवां का जो है हमारी दुनिया किताब का पार्ट पाँच, पांचवा जो है किताब का अध्याय है बिन पानी सब सुन, उसका चैप्टर का नाम है बिन पानी सब सुन। तो इसमें हम आप लोग को पिछले वीडियो में बता रहे हैं कि पानी के बिना जीवन जो है संभव नहीं है। ऐसे तो हमारी पृथ्वी पर एक तिहाई तीन भाग जो है जल उपलब्ध है, लेकिन पीने के लिए जो पेयजल है वह बहुत ही कम है, ठीक ना, जिसका उपयोग मनुष्य जो है अपने जीवन दैनिक जीवन को चलाने के लिए कर रहा है, लेकिन वह पानी को भी बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। तो उसको पानी को भी सेव करना है, और पानी को भी सेव करने के बाद जो है तभी जो है हम लोग का जो है कल्याण हो पाएगा, हमारा जीवन जो है अस्तित्व बना रहेगा। बच्चों आज जो है इसी टॉपिक पर और आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। बच्चों ये जो हम चक्र आप लोगों को जो फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में इसे हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं। सो यहाँ हम लिखेंगे जल चक्र, वाटर चेन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। देखिए बच्चों, तो जल चक्र में आज जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये जल का जो चक्र है वो किस प्रकार चलता है। हमारे पृथ्वी में एक चैन है, एक सर्कल है, यह जो है राउंड वेव में चलता है, और किस प्रकार चलता है इसको जानने का हम प्रयास करेंगे फिगर के माध्यम से। तो कह रहा है, देखिए आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो नीचे देखेंगे यह हमारी धरती का कोण है, जो हम जिस पर हम लोग धरती है हमारे, इस पर खड़े हैं। ये धरती का कोण है, ये परत है। इस परत के बाद देखेंगे ये जो है धरती है, उसके ऊपर जो धरती पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक ना। इधर देखेंगे कि थोड़ा सा तालाब वगैरह है, जो कि ये तालाबों से यहाँ पे एरो का चिन्ह बनाए हैं, जो कि ये जो ऊपर की ओर उठ रहे हैं, और ये जो है बादलों का निर्माण कर रहे हैं। पुनः जो है बादल जो है बरस रहे हैं, और पुनः जो है नाल, ये नदी नाले के रास्ते से पुनः जो आकर नदी नाले में मिल जा रहे हैं। तो बच्चों हम इस चैन को समझेंगे। कह रहा है देखिए के यहाँ पे एक सन भी बनाना जरूरी है, सूर्य सूर्य लिखे, देखिए जब वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है, वो आप समझ रहे हैं, गर्मी के वजह से या ऐसे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब होती है, प्रायः आप लोग खाना बनाते हुए घर में देखे होंगे, खाना बनता है तो खाना जब किसी से ढक्कन से ढका रहता है, पानी वगैरह या सब्जी या कोई भी चीज़, तो उसमें देखिएगा उस पर के जो ढक्कन हटाइएगा उसमें देखिएगा पानी जो है ऊपर सटा रहता है। तो आप लोग अनुमान लगाना है कि पानी कैसे सटा। तो पानी जो है पात्र से नीचे टेम्परेचर से गर्म हुआ चूल्हे पर, और गर्म होने के बाद जो है पानी वाष्प के रूप में जाकर ऊपर जो पत्थर पे सट जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में से, क्या होती है धरती जब गर्म होती है, पेड़ पौधों से जो है पानी जो है वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठते हैं, और ये जो है सारे नदी नाले जल समुद्र पेड़ पौधे से जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। हम लोग खाना पकाते हैं तो देखते हैं ना उठ जाता है वाष्प, तो वह सब सारे जो है जाकर क्या करते हैं ऊपर बादल का निर्माण करते हैं, और यही बादल जो है संघटित होकर पानी वर्षा करते हैं दूसरे क्षेत्रों में जाकर, जिस क्षेत्र में हवा जहाँ भी जिधर ले जाएगी वहाँ कर उधर ले जाते हैं, और जाने के बाद क्षेत्र में वर्षा करते हैं। वह जो है पानी पुनः क्या होता है, वह पानी जो है नदी नाले के रास्ते से पुनः जो है जहाँ समुद्र में नदी नाले में या गर्भों में एकत्रित हो जाते हैं, वो पानी ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए खेतों में गिरते हैं वर्षा के जल तो फसल तैयार हो जाते हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष ऐसे पौधे हैं जहाँ पर पानी की कम मात्रा है वहाँ पर भी पानी पहुँच जाते हैं,
और फिर वाष्प के वाष्प सर्जन के द्वारा जो है पुनः बादल के निर्माण होते हैं, ऊपर चला जाता है और वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बादल बनते हैं, पुनर्निर्माणसा होती है। तो एक चर के सर्कल चल रहा है, चैन चल रहा है, ये नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे बनकर फिर वापस जो है नीचे फ्लोर आ जाता है। तो ये जल चक्र के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बच्चों जल चक्र के बारे में जान गए होंगे, किताब के से भी जो है आप उसका सहारा लेंगे, ठीक ना। अब बच्चों वाष्प सर्जन के बाद हम आप लोग को ज्वार भाटा के बारे में बताएंगे, ठीक ना। ज्वार भाटा क्या होती है, किताब में ही क्या होता है। कभी कभी हम लोग जब समुद्र में के किनारे जाते हैं तो समुद्र किनारों पर क्या होता है कि गमले ऐसे बहुत तीव्र गर्मी हो जाती है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाती है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे फ्लो करती है, बहाने लगती है, और पानी जो है समुद्र का बहुत तेजी से समुद्र किनार पे ऊपर की तरफ फ्लो करने लगता है, उसका लहर जो है तेज हो जाती है और बहने लगता है। समुद्र से सटी हुई जो नदियाँ हैं उनमें भी पानी जो है ज्वार भाटा के समय भर जाती हैं और नदियाँ का जलस्तर बढ़ जाता है। ये दिन एक दिन में दो बार होता है। क्यों होता है ऐसा? होता है इसलिए कि पृथ्वी जो कि समुद्र पृथ्वी जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी के समीप है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, जिससे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव बल जो है वह पृथ्वी पर लगता है पड़ता है और वह समुद्र के जल को जो है वह सीधे रूप से प्रभावित करता है। वह समुद्र के जल को जो है अपने और आकर्षित करता है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, समुद्र का जल क्या होता है किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। और जो भी सटी हुई नदियाँ हैं जैसे कलकत्ता में हुगली नदी, हुगली नदी में ज्वार भाटा आता है और जो समुद्र का जल जो है जो नीचे की तरफ होता है वह लहर ऐसे हिलते रहता है और बढ़ते रहता है, बढ़ते बढ़ते नदी का जलस्तर पूर्ण रूप से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लोग वहाँ पर क्या रहते हैं, सावधान रहते हैं। ज्वार भाटा के समय बच्चों को जो है नदियों में नहीं भेजा जाता है, क्योंकि बच्चे अगर नदी में जाएंगे पानी बढ़ते रहेगा, ज़्यादा बढ़ते 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 जो बढ़ जाएगा, बच्चे जो है खेलने के चक्कर में उसमें फंस सकते हैं, उसमें डूब सकते हैं। तो ये ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, एक दिन में दो बार आता है। तो आप लोग किताब के माध्यम से किताब दो चार जरूर पढ़ बार जरूर पढ़ेंगे और इस जल चक्र को जरूर बनाएंगे अपनी कॉपी में, ठीक ना। तो फिर कॉपी में से बनाइए और किताब कर किताब जो है दो चार पढ़िए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।